मूवी की शुरुआत कैटरीना नाम की एक औरत से होती है जो जॉगिंग करते करते एक पहाड़ी पर आ गई और वहाँ एक पत्थर के नीचे से उसने अपनी सिगरेट और लाइटर निकाला और स्मोक करने लगी। कैटरीना असल में एक स्कूल टीचर है जो रिलीजन पढ़ाती है। उसके पति का नाम है ड्रैको और वो एक प्रीस्ट है, इसीलिए शायद कैटरीना हाई स्कूल में रिलीजन पढ़ाती होगी। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम फ्लोरिन है। ड्रैको काफी रिलीजियस किस्म का इंसान है और इसीलिए वो अपने बेटे फ्लोरिन को भी रोज चर्च लेकर आता था ताकि वो धर्म कर्म की बातें सीख सके। लेकिन ड्रैको के इतने धार्मिक नेचर की वजह से कैटरीना को कभी कभी हेडेक होने लगता था क्योंकि वो फ्लोरिन को भी फोर्स करता था उसी की तरह बनने के लिए। लेकिन कैटरीना चाहती है कि फ्लोरिन खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करे कि उसे क्या बनना है, और इसका रीजन शायद ये था कि वो खुद भी ड्रैगो के कंट्रोलिंग नेचर से काफी परेशान आ चुकी थी, इसीलिए उसे ड्रैगो से छिपकर उस पहाड़ी में जाकर स्मोक करना पड़ता था। एक दिन स्कूल का हेडमास्टर उसे एक नए स्टूडेंट लियो के बारे में बताता है जो जर्मनी से यहाँ आया था और अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी ने उसे इसी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए काफी रिक्वेस्ट की थी। पहले वो जिस स्कूल में पढ़ा करता था वहाँ से उन्हें लियो के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। वो नहीं चाहते कि लियो का साल बर्बाद हो, इसलिए उन्हें लियो को एडमिशन देना पड़ा। वो लियो को केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए फ्लोरिन के साथ पेयर अप करने की बात करता है। लियो जब क्लास में था उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो काफी वाइल्ड किस्म का लड़का है। उसे धर्म कर्म की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। इससे पहले वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ भी रिलीजन सब्जेक्ट नहीं होता था। एक रात कैटरीना जब घर वापस आ रही थी उसे बिल्डिंग के बाहर लियो दिखाई दिया जो स्मोक कर रहा है। उसे देख कैटरीना रुक जाती है और कुछ सोचने के बाद वो उसे अपने साथ उसी पहाड़ी पर ले गई जहां वो छिपकर स्मोक किया करती थी। दोनों वहां बैठकर स्मोक करने लगे और फिर अचानक लियो कैटरीना को किस कर लेता है। कैटरीना ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की लेकिन बाद में वो उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है। घर आकर वो लियो के ख्यालों में ही खोई रही। अगले दिन जब वो जॉगिंग से वापस आई लियो उसके घर पर था। उसे फ्लोरिन के साथ अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट जो पूरा करना है। किचन में वो कैटरीना को पीछे से चूमने की कोशिश करता है। कैटरीना उसे जोर से कोहनी मारती है जिससे लियो के होठों से खून बहने लगा। उसे घर ले जाती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन जब उसके पैर को रगड़ना शुरू करता है तो उसे नहीं रोकती और इसका स्वाद तब तक लेती है जब तक कि पास से गुजर रही कार का हॉर्न उन्हें नहीं रोक देता। अगले दिन चर्च में ड्रैगो कैटरीना से पूछता है कि आज वो कन्फेशन के लिए क्यों नहीं आई। कैटरीना ने कहा उसे नहीं लगा कि वो कुछ कन्फेश करना चाहती है। जिसके बाद वो ड्रैगो की मॉम के बर्थडे डिनर पर जाते हैं और वहाँ ड्रैगो की मॉम से हमें पता चलता है कि कैटरीना स्कूल के दिनों से ही काफी नॉटी थी। उसकी मॉम ने उसे स्कूल के बाथरूम में उसके केमिस्ट्री के टीचर के साथ गलत अवस्था में पकड़ा था, लेकिन कैटरीना का कहना था कि वो एक गलत फहमी थी। ये कहकर कैटरीना वहाँ से गुस्से में चली गई और घर आकर उसने फ्लोरिन के फोन से अपना फोन बदल लिया और बाहर निकल गई। उसने फ्लोरिन के फोन से लियो को मैसेज किया मिलने के लिए, जिसके बाद वो लियो को लेकर उसी पहाड़ी पर गई और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। यहाँ हम देख पाए कि कैटरीना कितनी संतुष्ट महसूस कर रही थी। वापस घर आने पर वो फ्लोरिन को उसका फोन देते हुए कहती है कि वो गलती से उसका फोन अपने साथ ले गई थी। फ्लोरिन बताता है कि उसे पता है कि वो उस पहाड़ी पर गई थी क्योंकि उसने अपने फोन पे फाइंड माई फोन ऐप इंस्टॉल की हुई है। इन केस अगर उसका फोन खो जाता है तो उसे पता चल सके कि उसका फोन कहाँ है। ड्रैगो बताता है कि वो जानते हैं कि वो पूरा टाइम कार में थी। कैटरीना झूठ कहती है कि वो अपनी फ्रेंड जो के साथ थी। ड्रैगो कैटरीना से उसकी मॉम की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी फ्रेंड जो से उसके लिए हेयर कट की अपॉइंटमेंट ले ले। अब कैटरीना घबरा जाती है कि कहीं ड्रैगो को सच पता ना चल जाए कि वो रात के वक्त जो के साथ नहीं थी। इसीलिए वो जो के घर जाकर उसके लिए उसे झूठ बोलने को कहती है कि वो कल रात उसके साथ उस पहाड़ी पर थी। जो को कैटरीना और लियो के अफेयर के बारे में पता है और वो ड्रैगो जो कि एक प्रीस्ट है उसके सामने झूठ बोलने से मना कर देती है। अब कैटरीना लियो से मिलती है और कहती है कि वो अब और नहीं मिल सकती। उसके बेटे फ्लोरिन को पता है कि उस रात वो उस पहाड़ी पर थी। ये सुनकर लियो गुस्से में वहां से ये कहकर चला गया कि वो फ्लोरिन को देख लेगा। कैटरीना जब स्कूल आई वो देखती है कि लियो फ्लोरिन को अपने साथ कहीं ले जा रहा है।
घर पर फ्लोरिन अभी तक वापस नहीं आया था। ड्रैगो भी उसे कई बार फोन कर चुका है लेकिन फ्लोरिन ने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद कैटरीना लियोलू के रूम में आई जहाँ पार्टी चल रही थी। वहाँ सड़क पर उसे फ्लोरिन मिलता है। लियोलू ने शायद उसे ड्रग्स दिया था। ये देख कैटरीना लियोलू पर काफी नाराज होती है लेकिन लियोलू का कहना था कि ये सब उसने उसी के लिए किया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कैटरीना का कहना है कि वो बस वन नाइट स्टैंड था न कि उसे लियोलू से कोई प्यार व्यार है और अब उन्हें ये सब खत्म करना होगा क्योंकि उसकी फ्रेंड भी उनके अफेयर के बारे में जान चुकी है। ये कहकर कैटरीना फ्लोरिन को लेकर वहाँ से चली गई। वो फ्लोरिन से ड्रैगो के सामने झूठ बोलने को कहती है कि वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था। क्लासरूम में कैटरीना जब क्लास ले रही थी लियोलू उसे एक फोटो सेंड करता है जिसमें उसने अपने मुंह में कैटरीना की पैंटी ले रखी थी। अब जब कैटरीना उसे इग्नोर कर रही है वो उस फोटो को सारे स्टूडेंट्स के सामने दिखाने की कोशिश करता है। घबराकर कैटरीना ने उसका फोन छीनकर फेंक दिया और क्लास छोड़कर भाग गई। वो हेडमास्टर के पास आई और लियोलू के बारे में झूठ बताया कि वो क्लासरूम में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जिसके बाद कैटरीना जब अपनी कार में थी लियोलू ने उसे एक रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें वो ड्रैगो के सामने ये कन्फेस कर रहा था कि उसका किसी लड़की के साथ संबंध है लेकिन अब वो लड़की उसे छोड़ना चाहती है लेकिन वो उस लड़की से प्यार करता है। ड्रैगो से समझाता है कि अभी वो बच्चा है और इस तरह के प्यार उसकी जिंदगी में आते जाते रहेंगे। ड्रैगो से उस लड़की को कन्फेशन के लिए उसके पास लाने को कहता है और उसका नाम पूछता है। लियोलू उसका नाम क्रिस्टीना बताता है और कहता है कि वो उससे उम्र में काफी बड़ी है। जिसके बाद ड्रैगो उसके लिए प्रेयर करता है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर कैटरीना काफी परेशान हो जाती है और जब वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही थी उसे लियोलू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो आज रात 9 बजे उसके रूम में आए। कैटरीना झूठ बोलकर कि वो जो के घर जा रही है लियोलू से मिलने आ गई जहां वो लियोलू को उससे दूर रहने को कहती है और समझाती है कि वो बस वन नाइट स्टैंड था। लेकिन लियोलू समझने को तैयार नहीं है और कैटरीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैटरीना किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन फ्लोरिन काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा है मानो उसे कैटरीना के अफेयर के बारे में सब पता चल गया है। कैटरीना को स्कूल प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके और लियोलू के बारे में पूछताछ करने लगता है। असल में लियोलू ने FB पर उस पिक को पोस्ट कर दिया था जिसमें वो कैटरीना की पैंटी मुंह में पकड़े हुए है। उस फोटो पर लोगों ने कैटरीना के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स किए होते हैं। कैटरीना झूठ बोलती है कि ये पैंटी उसकी नहीं है और लियोलू एक नंबर का झूठा लड़का है। वो ये भी बताती है कि जिसे वो लियोलू की दादी समझते हैं वो असल में उसकी दादी है ही नहीं बल्कि लियोलू ने उस औरत को पैसे दिए थे उसकी दादी का रोल प्ले करने के लिए। वो लियोलू के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन कैटरीना की वजह से उनके स्कूल की काफी बेइज्जती हो चुकी है इसीलिए वो कैटरीना से पूछता है कि क्या उसके और लियोलू के बीच कुछ हुआ था। कैटरीना साफ मना कर देती है। अब ये काफी बड़ा स्कैंडल बन चुका है इसीलिए जब तक सबको शॉर्ट आउट नहीं हो जाता हेडमास्टर प्रिंसिपल से कैटरीना को मेडिकल लीव पर भेजने की बात करता है। कैटरीना फ्लोरिन से मिलने उसकी क्लास में जाती है लेकिन फ्लोरिन मिलने से मना कर देता है। कैटरीना को ड्रैगो का फोन आता है। कैटरीना और ड्रैगो उसी पहाड़ी के पास आते हैं जहाँ लियोलू सुसाइड करने के लिए तैयार खड़ा था। वो सिर्फ कैटरीना और ड्रैगो से बात करना चाहता है। वो कैटरीना को घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है और उनके रिश्ते को ड्रैगो के आगे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। कैटरीना रोते हुए अपने और लियोलू के अफेयर के बारे में ड्रैगो के आगे कन्फेस करती है जिसके बाद ड्रैगो उस पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेता है। वो बस चाहता था कि कैटरीना सच को एक्सेप्ट करे कि उसे लियोलू के साथ संतुष्टि मिलती थी। लास्ट में हम कैटरीना को उसके घर पर देखते हैं जिसे शायद अब आइसोलेशन में रखा गया है। वो अपने बेटे से बात करने के लिए लैपटॉप ऑन करती है जो अब एब्रॉड पढ़ने चला गया था लेकिन फ्लोरिन और कैटरीना के रिश्ते अब पहले जैसे ही नहीं रहे। फ्लोरिन की उससे कोई बात नहीं हो पाती। वो गिल्ट से भरी हुई है। बेटे को उससे कोई लेना देना नहीं है और लास्ट में ड्रैगो उस कमरे को बंद कर देता है जहाँ कैटरीना थी और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये मूवी एक ऐसी औरत के बारे में थी जो अपने कंट्रोलिंग और रिलीजियस पति से संतुष्ट नहीं थी। उसने स्कूल टाइम पर भी काफी स्कैंडल्स किए थे और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते उसने लियोलू से नजदीकियां बढ़ाई लेकिन लियोलू का भोला मन ये नहीं समझ पाया कि कैटरीना उसे बस यूज कर रही थी।
कैटरीना खुद उन चीजों पर यकीन नहीं करती थी जो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। लियोलू जो जर्मनी के एक ओपन माइंडेड स्कूल का स्टूडेंट था, वो हर चीज के पीछे की वास्तविकता को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। लियोलू जिस उम्र में था उस उम्र में इन्फैटुएशन और अट्रैक्शन होना आम बात है, लेकिन एक टीचर के रूप में कैटरीना ने जो लियोलू के साथ किया वो गलत था। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।